23 की तकरार बनेगी किसकी सरकार, इस खास इलेक्शन एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम आप पहुंचे हैं लांजी किरनापुर विधानसभा क्षेत्र। लांजी मध्य प्रदेश के सुदूर में बसा हुआ है, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ इसकी सरहद बनाते हैं। लांजी का अपना विशेष महत्व है। इस वक्त मध्य प्रदेश की युवा विधायक हिना कांवरे यहाँ का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। क्या है लांजी की चुनौतियाँ, किस तरीके से विकास के पथ पर यह आगे बढ़ रहा है, क्या है यहाँ के लोगों की समस्याएं, इन सभी पर हम आज बातचीत करेंगे उन लोगों से भी, यहाँ की समस्याओं को भी समझेंगे। बालाघाट जिले की लांजी विधानसभा मध्य प्रदेश की अहम सीटों में शुमार है। मध्य प्रदेश के अंतिम छोर पर स्थित ये विधानसभा महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ से बिल्कुल लगी हुई है। ये पूरांचल प्राकृतिक रूप से बेहद सुंदर है, हालांकि क्षेत्र का काफी हिस्सा नक्सलियों के प्रभाव वाला भी है। विधानसभा में लांजी और किरनापुर दो प्रमुख कस्बे हैं। बालाघाट जिले की ये सबसे बड़ी विधानसभा सीट है। फिलहाल हिना कांवरे यहाँ से विधायक है। इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए जनता किस तरह मन बना रही है, हम इसी पड़ताल में निकले हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ लांजी के प्रसिद्ध कोटेश्वर महादेव मंदिर में। बताया जाता है कि इस मंदिर का निर्माण 11वीं सदी में किया गया था, यानी बेहद प्राचीन और अद्भुत है ये मंदिर। लांजी की पहचान है ये, एक तरीके से कहें महादेव यहाँ के रक्षक हैं और बड़ी संख्या में यहाँ पर साल भर श्रद्धालु पहुँचते हैं। लांजी माँ लंजकाई की नगरी है, वहीं किरनापुर में माँ किरनाई विराजी हैं। दोनों देवियों को प्रणाम कर हमने अपनी यात्रा शुरू की। लांजी में ऐतिहासिक कोटेश्वर महादेव मंदिर है, जो 11वीं सदी का बताया जाता है। साथ ही गोंड राजवंश का ऐतिहासिक लांजी किला भी अपनी गौरव गाथा कहता है। आज़ादी के बाद जब लांजी विधानसभा वजूद में आई तो 1952 में पहली बार तेजलाल टेमरे यहाँ से विधायक बने। तेजलाल टेमरे आगे चलकर विधानसभा स्पीकर और अहम विभागों के मंत्री भी बने। इसके बाद पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष एनपी श्रीवास्तव, यशवंत राव खोंगर, पूर्व मंत्री दिलीप भटेरे को यहाँ की जनता ने चुनकर भेजा। 2008 में परिसीमन के बाद लांजी की शक्ल बदली और कई हिस्से इसमें जोड़े गए। लांजी 2008 के बाद में एक नए क्षेत्र के रूप में सामने आया, अपना इसका, इस शहर का अपनी पहचान रही है, यहाँ से दिग्गज नेता रहे। थोड़ा आप लांजी पर पहले प्रकाश डालें। लांजी ऐतिहासिक नगरी है। यहाँ 1952 से 1957 में कांग्रेस के एमएलए रहे, 62 में पीएसपी, फिर 67 में कांग्रेस, 72 में फिर निर्दलीय, 77 में जनता पार्टी, 77 में कांग्रेस, 80 में कांग्रेस, फिर 85 में जनता पार्टी, 90 बाई इलेक्शन, 92, उसके बाद 93 का आम चुनाव, 98 का चुनाव, 98 में फिर कांग्रेस, इस बीच में बीजेपी के 3 बार प्रत्याशी चुने गए, 2003 बीजेपी प्रत्याशी, 2007 निर्दलीय प्रत्याशी, 2008 फिर भाजपा प्रत्याशी और 2013-2018 कांग्रेस प्रत्याशी रहा। यहाँ पे किसी पार्टी का हमेशा वर्चस्व नहीं रहा, हमेशा लांजी में व्यक्तिवाद की राजनीति रही, मगर कांग्रेस के एमएलए या कांग्रेस विचारधारा के लोग ज़्यादा बार जीतते आए। कौन से बड़े नेता रहे, हमारे दर्शक भी उनके बारे में जान पाएंगे? सबसे पहले यहाँ तेजलाल जी टेमरे 52 और 57 में चुनाव जीते थे, वो मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष रहे, उसके अलावा कई विभागों के मंत्री रहे। उसके बाद हमारे यहाँ एक लांजी प्रापर के नर्मदा प्रसाद जी श्रीवास्तव कानूनविद थे, वो एम कॉम एलएलबी, वो हमारे यहाँ 4 बार एमएलए रहे और वो भी पूर्व मंत्री रहे, विधानसभा उपाध्यक्ष रहे, यही दो लीडर। उसके बाद यशवंत राव खोंगल रहे, वो जिला पंचायत अध्यक्ष रहे, 2 बार विधायक रहे, फिर भाजपा के दिलीप भटेरे जी रहे, वो भी मंत्री रहे। पिछले 9 वर्षों के दौरान लांजी क्षेत्र के लिए आपकी क्या उपलब्धि रही, आपकी पार्टी के एमएलए यहाँ से हैं और आगे अब आप और किस तरीके से भविष्य को देखते हैं? यहाँ की क्षेत्र की जो मुख्य समस्याओं के रूप में अगर हम देखा जाता है तो रोजगार एक बहुत बड़ी समस्या है, जबकि प्राकृतिक संसाधनों से भरा ये क्षेत्र जो है जहाँ पर उद्योग धंधे या रोजगार की पूर्ण संभावना है, लेकिन ऐसा अब तक की इन वर्षों में नहीं हुआ। अभी लगातार 2013 के बाद से लगातार यहाँ पर कांग्रेस के विधायक है सुश्री हिना कांवरे जी, उनके द्वारा जो है प्रयास किए जा रहे हैं, क्षेत्र को विकसित और विकास का अमली जामा पहनाया जा रहा है, जो काफ़ी तो है कह सकते हैं, लेकिन रोजगार की दृष्टि से देखा जाए, उद्योग धंधियों की दृष्टि से देखा जाए तो वो पूर्णतः नहीं है। दूसरी बात आती है कि किसान या कृषि से,
तो यहाँ पर लगभग लगभग 80% आबादी जो है वो कृषि या कृषि क्षेत्र से जो है संबंध रखती है। तो अगर मान लो कृषि को संसाधनों से जोड़ देने का काम होता, अभी यहाँ पर हमारे यहाँ पर जैसे बाग परियोजनाओं का संयुक्त रूप से महाराष्ट्र सरकार और मध्य प्रदेश सरकार से रूप से वो संचालित हो रही है, तो एक हिस्सा यानी 30% 33% किसान जो है उससे सिंचाई से लाभान्वित है। लेकिन अगर सिंचाई को लेकर यहाँ पर अगर काम किया जाए, पहले पूर्व में भी जो है ऐसे सर्वे हुए थे यहाँ पर कि सिंचाई को लेकर के, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं उसका नहीं हो पाया, धरातल पर उसको देखने को नहीं मिला। किन मुद्दों के आधार पर लांजी की जनता राय बनाएगी? रोजगार की समस्याएं हैं, महंगाई की समस्या है, ये मुद्दा ज़रूर इस चुनाव में आएगा। और हम ये समझते हैं कि किसानों के समर्थन मूल्य नहीं बढ़ रहा है, किसानों की स्थिति नहीं सुधर रही है, इन विषयों में प्रयास ठीक तरीके से नहीं किए गए, ये बहुत ही गंभीर विषय है और ये चुनाव में मुद्दा बनेगा। कांग्रेस के प्रमुख मुद्दे क्या होंगे अगर हम लांजी विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो? विकास होगा लांजी में। जैसे कि सभी जानते हैं कि हमारी विधायक जी ने सारे चुनाव विकास के आधार पर लड़े हैं, तो इस बार भी मुद्दा विकास होगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे किसानों को, जैसे आदरणीय कमलनाथ जी ने मांग की है कि हमारे क्षेत्र की सबसे बड़ी मांग थी कि रबी में धान को समर्थन मूल्य पर खरीदा जाए, तो आदरणीय कमलनाथ जी ने जब अभी बीच में वाराशिवनी आए थे तो उन्होंने घोषणा की है कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी होगी। और वैसे ही हमारे जो गैस की बात है, जो हमारी महंगाई की बात है, उस पर भी आदरणीय कमलनाथ जी ने मांग की है कि 500 रुपये हर परिवार को सब्सिडी पे गैस सिलेंडर देने की बात की है। भारतीय जनता पार्टी किन मुद्दों के आधार पर लांजी क्षेत्र की जनता के बीच इस बार जाना चाहेगी? वो इसलिए क्योंकि दो बार से आप चुनाव में किसी तरीके से कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, तो अब आप किन जगहों पर फोकस करना चाहेंगे? दरअसल क्या है कि अभी तक जो 10 साल अपने बीत चुके हैं कांग्रेस के कार्यकाल के, यहाँ जो विधायक रही है माननीय सुश्री हिना कावरे, इनने 10 सालों में विकास नहीं किया। और साथ ही जब 15 महीने अपने कांग्रेस सरकार के यहाँ बीत चुके हैं, कांग्रेस रही है सरकार में, तो सिर्फ कांग्रेस सरकार ने जनहितकारी योजनाओं को बंद करने का काम किया है। बहुत सारी ऐसी योजना है जो जनहितकारी थी और स्वाभाविक निश्चित तौर पर लोगों को सीधा फायदा मिल रहा था। संबल जैसी योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान जैसी योजना जिसमें हितग्राही को सीधा फायदा मिलता है, संबल योजना में अंतुष्टि सहायता राशि मिलती है, साथ ही उनके परिवार के लिए अनुग्रह सहायता राशि का भी प्रावधान था, कमलनाथ जी ने उस योजना को बंद कराया। तो पुनः भाजपा अपनी जनहितकारी योजनाओं को लेकर फिर से विधानसभा में सक्रिय हुई है और निश्चित तौर पर ये जो विधानसभा है ये भाजपा के लिए एक विजयी विधानसभा कहलाएगी। देखो, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास के साथ काम कर रही है। रही बात यहाँ पे जो 10 वर्ष तक के हमारी बहन हिना कावरे जी विधायक है, इसके पहले भी भाजपा यहाँ जीती है, उस समय कांग्रेस की जमानत कुल हो जाती थी परिसीमान, और हो सकता है कि अभी वाला जो चुनाव हुआ था उनका झूठा मैनुफेस्टियल था। हम लोग विकास के नाम पे लड़ेंगे, हम माता बहनों के लिए जो सशक्तिकरण का काम किया है आजीविका मिशन पे, उस पर हम बात करेंगे। हम विद्यार्थियों के लिए जो कर रहे हैं, आज एक लड़का कोई MBBS में अगर फाइट कर लेता है और वो गरीब है तो वो 45 लाख कहाँ से दे रहा है, उसको सरकार दे रहा है। इस उपलब्धियों पे अपन सरकार लड़ेंगे, हम प्रधानमंत्री सड़क पे लड़ेंगे, हम मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क पे चुनाव लड़ेंगे, हम प्रधानमंत्री आवास पे लड़ेंगे। हमारे पास में विकास के बहुत सारे मुद्दे हैं। आपको क्या लगता है लांजी की समस्याएं क्या हैं, यहाँ किस तरीके से काम होने चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते आप अपनी सोच बताइए। ये बात करते हैं कि विकास किए, ठीक है, विकास किए किसके साथ किए, सरकार के साथ, सरकार में विपक्ष की विधायक ये अलग बात है, लेकिन सरकार ने इनको काम दिया, पैसे दिए, तभी काम हुआ है, ठीक है। जब विकास यात्रा सरकार की होती है तो ये इनके विधायक और इनके चुने हुए जनप्रतिनिधि उसी विकास यात्रा का विरोध करते हैं। यदि विकास नहीं हुआ है इसलिए विरोध कर रहे हैं, और विकास नहीं हुआ है तो किसके कारण नहीं हुआ है, क्षेत्र की विधायक के कारण नहीं हुआ है। बहुत सी समस्याएं हैं, आज भी तहसील ऑफिस व स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोरोना काल जैसा गया, उस समय सम्माननीय विधायक महोदय पूर्णतः क्षेत्र से गायब थी। बहुत से छोटे छोटे मुद्दे हैं। आलोक जी, आपसे मैं एक जवाब डबल मनी स्कैम पर ज़रूर चाहूँगा, क्योंकि वो उस पूरे कांड ने इस क्षेत्र की जनता को बहुत दुख दिया है, बहुत तकलीफें दी हैं, जिसका प्रभाव आने वाले लंबे समय तक रहेगा, तो इस पर आपकी पार्टी का क्या सोचना है? देखिए, निश्चित ही क्षेत्र की जनता के साथ का दुर्भाग्य है, ये सब घटनाएं घटी, जो नहीं होना था वो हुआ। निश्चित ही
जवाबदार व्यक्ति यदि जवाबदार पहले से ले लेता, 2013 से यहाँ विधायक है और ये डबल मनी स्कैम है, 2013 से स्टार्ट हुआ। यदि क्षेत्र की विधायक को मालूम है कि ये चल रहा है तो या तो फिर सोई हुई थी 7 साल जब तक इन्होंने विधानसभा क्वेश्चन नहीं लगाया, इनकी क्षेत्र की जो जनता है उसके प्रति के जवाबदार संवेदनशील नहीं है ये इनकी विधायक, ये सब जाहिर होता है। निश्चित ही हम सब चाहते हैं कि जो भी इसके पीछे दोषी है उस पर कड़ी सजा मिलनी चाहिए और क्षेत्र की जनताओं को निश्चित रूप से उनका पैसा मिलना चाहिए। अजय जी, इस पर अगर आप कोई जवाब देना चाहें तो। जैसे कि हमारे सम्माननीय साथी ने डबल मनी की बात की है और उसमें सीधा सीधा आरोप आदरणीय सुश्री हिना कांवरे पर लगाया है, तो ये सबसे पहले तो ये बता दे कि आदरणीय भटेरे जी ने अभी पुण्यतिथि 19 में रखी थी, जिसमें आदरणीय भटेरे जी की पुण्यतिथि थी, उसमें सोमेंद्र कंकरा ने और आमा डारे जी दोनों मंच में थे, उसमें सीएम जी के साथ थे, है ना, जिनके तरफ से टैंकरों से लस्सी पिलाई गई। और जब सोमेंद्र कंकरानी जी अंदर थे तो जमानत के लिए भटेरे जी जबलपुर के चक्कर काट रहे थे और कई बार तो ये जेल में भी मिलने सोमेंद्र कंकरानी से गए हैं। तो ये क्षेत्र के लोगों को ये बताए कि जिनकी बुले गांव में जो 6 साल से काम चल रहा था, जबकि जब जिस समय विधायक जी ने विधानसभा क्वेश्चन लगाया था उस समय ही ये मामला जोर पकड़ा था, लेकिन विधानसभा लगाने के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी जिसमें किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई। किसी भी क्षेत्र की तरह लांजी के भी अपने मुद्दे हैं। खास बात यह है कि यहाँ राजनीति कर रहे चेहरे युवा हैं। 2008 में विधायक बने रमेश भटेरे महज 26 साल की उम्र में विधानसभा पहुंचे थे। वहीं पिछले 10 साल से विधायक हिना कांवरे भी कांग्रेस का युवा चेहरा है। कमलनाथ सरकार में हिना डिप्टी स्पीकर भी रही है। 2003 और 2008 के चुनाव में हिना कांवरे ने रमेश भटेरे को शिकस्त दी थी। इस बार भी बीजेपी से भटेरे ही दावेदार के रूप में दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा बीजेपी से आम आदमी पार्टी में आए राजकुमार करी भी तीसरी ताकत के रूप में तैयारी शुरू कर रहे हैं। जातिगत आधार पर देखें तो यहां लोधी, मरार, आदिवासी, कुनबी, पवार, तेली, कलार, मुस्लिम और SC वोटर बड़ी संख्या में है। विकास, रोजगार, पलायन, कृषि यहाँ के प्रमुख मुद्दे हैं। हालांकि जब डबल मनी स्कैम की बात होती है तो सारे मसले गौण हो जाते हैं। लांजी क्षेत्र में बीते एक दशक से पैसे डबल करने का खेल चल रहा था। पिछले साल ही इस रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। इस स्कैम में क्षेत्र के करीब 90% परिवारों का पैसा लगा था जो अब डूब गया है। इस अंचल में क्या क्या काम हुए, क्या छूट गए, चुनाव में क्या मुद्दे हावी रहेंगे, इन सब पर हमने चौपाल में चर्चा की। लांजी के कोटेश्वर मंदिर के चौपाल पर हम पहुंचे विधायक हिना कांवरे से मिलने। अपने 10 साल के काम और आगे के विजन को लेकर हिना ने क्या कहा, आप भी सुनिए। लांजी किरनापुर की पहचान को आप किस तरीके से देखना चाहती हैं आगे? मैं ये चाहती हूँ कि अंतिम छोर का जो हमारा लांजी किरनापुर विधानसभा है, जो छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ है, मैं ये चाहती हूँ कि इसकी एक अलग पहचान बने, जो कि जब बॉर्डर एरिया है तो उसका लाभ भी इसको मिलना चाहिए। मैं ये चाहती हूँ कि जब भी हम कंपैरिजन करें महाराष्ट्र से या छत्तीसगढ़ से, तो हमारा जो अंतिम छोर का गाँव है वो उससे ऊपर रहे, मेरी यही सोच है। इलेक्शन का साल है, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी, इलेक्शन मोड में आ चुकी हैं, चुनावी तैयारियां भी एक तरीके से शुरू हो चुकी हैं, तो आप किस तरीके से जनता के बीच जा रही हैं? मैं तो जिस दिन से चुनाव जीतती हूँ उसके दूसरे दिन से वो अपना काम शुरू कर देती हूँ, इसलिए मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि अभी चुनाव आ गया तो मुझे अलग से कुछ करना है। मैं अपना रूटीन में काम करते रहती हूँ, 5 साल पढ़ने वाला काम करती हूँ, मतलब एंड एग्जाम के टाइम पर पढ़ाई मैं नहीं करती, इसलिए मैं पूरे साल पढ़ाई करती हूँ। इसमें दो राय नहीं कि हिना कांवरे ने 2 बार बड़े अंतर से जीत दर्ज कर अपनी लोकप्रियता का लोहा मनवाया है। वहीं बीजेपी से रमेश भटेरे अपने तरीके से बदलाव की बात कर रहे हैं। रमेश जी, इलेक्शन का साल है, अब लगभग 7 से 8 महीने का वक्त बाकी है, आप लोग जमीन पर लगातार काम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की क्या संभावनाएं आप देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी, इस पार्टी के साथ सबसे बड़ी बात यह है कि छोटा सा छोटा गाँव भी होगा तो हमारे पास यहाँ भारतीय जनता पार्टी के पास कार्यकर्ता है, मतदान केंद्र पे पूरा का पूरा सेटअप है। हमारे प्रदेश संगठन ने हमारी सरकार की योजनाओं के साथ कदम ताल करते हुए एक एक बूथ पे हमारे त्रिदेव बने हुए हैं, चाहे बूथों के अध्यक्ष हो, महामंत्री हो, BL हो, अब तो हमारे पेज प्रमुख, पन्ना समितियाँ, ये सारा का सारा बूथ सशक्तिकरण अभियान चल रहा है। निश्चित रूप से
मैं चाहे लांजी क्षेत्र, बालाघाट जिला या अपितु पूरे प्रदेश की बात करूं, एक एक मतदान केंद्र पे भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ताकत के साथ अपनी सेना तैयार की है। वहीं दूसरी ओर हमारे सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को हमारे अपने कार्यकर्ताओं ने गांव-गांव, गली-गली हर जरूरतमंद तक पहुंचाने का काम किया है। तो निश्चित रूप से सरकार और हमारी संगठन का कुशल प्रबंधन, ये दोनों सामूहिक रूप से कदम ताल करते हुए हम फिर अगली बार इस विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में दोबारा सरकार बनाने की स्थिति की ओर पहुँच रहे हैं। निश्चित रूप से पाँचवीं बार हमारी सरकार बनने जा रही है। इस क्षेत्र में लंबे समय से राजनीति में सक्रिय राजकुमार करही अब आम आदमी पार्टी के साथ हैं। जिला पंचायत सदस्य और जनपद पंचायत अध्यक्ष के रूप में काम कर चुके करही का दावा है कि इस बार वो पूरे दमखम के साथ चुनाव मैदान में उतरेंगे। भाजपा और कांग्रेस दोनों के ही विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी देश के अंदर में बड़ी तेजी के साथ में आगे बढ़ रही है। विचारधारा अच्छी है, एक ईमानदार पार्टी है, तो मैंने भी इस पार्टी में रह के काम करने का निर्णय लिया। और हमारे जो संगठन के महामंत्री हैं वर्तमान में डॉक्टर संदीप पाठक जी, उनके द्वारा मैंने सदस्यता ग्रहण किया है 4 मार्च को। और मैं समझता हूं कि तीसरे विकल्प के रूप में पूरे प्रदेश के अंदर में भी और साथ साथ में लांजी विधानसभा के क्षेत्र के अंदर भी एक नया तीसरा विकल्प उभर के आएगा और निश्चित तौर से जनता का आशीर्वाद इस बार मुझे मिलेगा। नेताओं की बात सुनने के बाद ये साफ है कि वो जनता की अदालत में जाने के लिए तैयार हैं। हालांकि रोजगार की कमी से रोजाना यहां सैकड़ों लोग बाहरी राज्यों का रुख करते हैं, इस समस्या का स्थायी समाधान ढूंढना जरूरी है। जिस जगह मैं खड़ा हूँ ये लांजी क्षेत्र का बोलेगांव गाँव है। बोलेगांव एक ऐसे सेंटर के रूप में रहा, एक ऐसे स्कैम के सेंटर के रूप में रहा जहां पर एक दशक से पैसे को डबल करने का काला कारनामा चल रहा था। पिछले साल इस रैकेट का भंडाफोड़ हुआ, आरोपी सलाखों में गए, लेकिन लोगों के सामने संकट गहरा गया। इस क्षेत्र में लोगों के पास पैसे नहीं हैं क्योंकि वो अपनी जमा पूंजी इस पैसे को डबल करने के नाम पर गंवा चुके हैं। बैंकों की स्थिति खराब है, लिक्विडिटी नहीं है, लिहाजा डबल मनी का मसला विधानसभा चुनाव में भी छाया रहेगा। इस वक्त इस क्षेत्र में रोजगार की क्या स्थिति, अगर हम आपके दुकान के कारोबार की बात करें तो यहाँ क्या स्थिति है? कारोबार तो निश्चित तौर पर समझिए आप, बहुत ज्यादा स्थिति खराब हो चुकी है यहाँ पर। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जो लोग हैं अधिकतर लोग यहाँ से पलायन करते हैं। ऐसा पलायन एक बहुत बड़ी समस्या है। आप मान लीजिए कि रोज़ यहाँ से हर दिन हैदराबाद की ओर कम से कम नहीं तो मुझे 2000 लोग आज यहाँ से पलायन करते हैं। जब यहाँ लोग ही नहीं होंगे, खरीदारी नहीं होंगे, तो रोज़गार कैसे चलेगा? इसलिए क्या रोज़गार यहाँ पर नहीं, और बहुत से लोगों ने कहा कि हम फैक्ट्री लगाएंगे, कुछ करेंगे, रोज़गार बनाए, रोज़गार की स्थिति में कोई काम होता ही नहीं है। कभी नहीं हो पाया काम रोज़गार का। जो डबल मनी का जो यहाँ पे पूरा मामला हुआ, उसके बाद क्या आर्थिक रूप से भी स्थितियाँ यहाँ कमज़ोर हैं? हाँ, आर्थिक रूप से स्थिति कमज़ोर, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है। रोज़गार काफ़ी समाप्त हो गए, और आप खुद देखिए मार्केट में कहीं से कहीं तक रौनक नहीं दिखती है जो आज से एक साल डेढ़ साल पहले दिखती थी, आज वो नहीं दिखती है। यहाँ की जनप्रतिनिधियों को सहारा का पैसा डूबा, कोई मतलब नहीं मिला। इसके बाद डबल मनी ये आया, डबल मनी में पैसा डूबा लोगों का, कोई मतलब नहीं है उनको। रोज़ यहाँ से 4 से 5 गाड़ी हैदराबाद भर के जा रही है, पर जनप्रतिनिधि ये ध्यान नहीं दे रही कि ये गाड़ियाँ भर के क्यों हैदराबाद जा रही है, लोग क्यों जा रहे हैं कमाने के लिए, यहाँ क्यों नहीं रहना चाह रहे हैं। पलायन और डबल मनी कांड के दंश के साथ रोजगार और व्यवसाय को लेकर युवा उद्यमियों ने भी खुलकर राय रखी। डबल मनी के बाद लोग काफ़ी प्रभावित हुए हैं और मार्केट की स्थिति यहाँ पर ख़राब है। मार्केट की स्थिति, डबल मनी का मामला चर्चा का विषय है, लेकिन डबल मनी इतना भी मतलब व्यापार इतना भी ढप नहीं है जिस प्रकार से लोगों का कहना है। व्यापार हो रहा है, थोड़ा सा मंदा है, परंतु व्यापार जिस टाइप से अभी कुछ पल में देखे होंगे कि आपने, अभी बरसात थी, अभी गर्मियों का सीज़न है, अब व्यापार मतलब जो उठेगा थोड़ा कम ज़्यादा होते रहता है व्यापार में, परंतु व्यापारी इतनी तरह से भी प्रभावित नहीं हुआ जिस प्रकार से अपन बोलना चाहिए। अगर हम लांजी किरनापुर क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर किस तरीके के काम हुए हैं? लांजी किरनापुर क्षेत्र के हमारे विधायक हिना कावरे जी हैं, जिस प्रकार से जनता उनसे उम्मीद रखती है, जनता के नज़रों में हिना कावरे जी खड़े उतरे हैं। जहाँ तक हो सके तो मैं बता दूँ उनके कार्यों के बारे में कि कई पुलियाँ, बहुत सारी रोडें, और यहाँ तक कि
हर कार्य में हमारे विधायक आगे रही है और जो उन्होंने मुद्दा उठाए थे मुद्दा भी रखे हैं, कार्य भी देख रहे हैं, सबको सब जनता जानती है कि किसका कार्य अच्छा है किसका कार्य नहीं है, सभी लोग अपने अपने समझदारी का परिचय देंगी। विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों की अगर बात करें तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि यहाँ पर रोड पुल पुलियों और इंफ्रास्ट्रक्चर की दिशा में काफ़ी काम हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी कनेक्टिविटी बेहतर हुई है। जिस लांजी में हम खड़े हैं यहाँ से महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ भी सटे हुए हैं, इन इलाकों के लिए भी रोड काफ़ी बेहतर है। ये बात ज़रूर है कि विकास दूसरे तरीके यानी चाहे यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ हों रोज़गार हों, इस दिशा में अभी काफ़ी काम होना बाकी है। क्षेत्र में घूमने और लोगों से बातचीत से साफ समझा जा सकता है यहाँ लोगों की समझ का स्तर काफ़ी बेहतर है। वो जानते हैं कि जनप्रतिनिधियों के क्या काम है और कौन उनकी अपेक्षाओं पर सही उतरता है। इस पूरे अंचल में शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार और ग्रामीण क्षेत्रों में काम की बेहद संभावनाएं हैं। विधानसभा चुनाव में अभी थोड़ा वक्त बाकी है लेकिन जनता की जुबान पर ये चर्चा है कि कौन उनके बारे में गंभीरता से सोचता है। और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जो जनमानस में बने हुए हैं। कैमरामैन शंकर बागड़े के साथ निशांत बिसेन, बंसल न्यूज़, लांजी करनापुर।